कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उस रोड पर ज्यादातर एक्सीडेंट होते रहते थे। लेकिन 4 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ और इतने एक्सीडेंट यहाँ होते हैं छोटे मोटे के, महीने में 30-40 एक्सीडेंट का एवरेज यहाँ पर आता है। भाई इधर से भी ढलाना है और उधर से भी ढलाना है, और मेन बात यह है कि वो मोड़ है तो उस मोड़ पे तो कुछ दिखता नहीं, इधर के साधन वाले को उधर वाला नहीं दिखता है, उधर वाले को इधर नहीं दिखता है। इस वीडियो के बारे में ज्यादातर नगर पालिका के मेंबरों से, वहाँ के आयुक्त से इनसे चर्चाएं की तो उन्होंने मेरी बात को गहराई से समझा। इस सबको सोचते हुए वहाँ पे एक छोटी रोड का निर्माण होने से आज काफी संतुष्ट हुए हैं हम लोग। लोगों के लिए ये फायदा होगा कि जो भी आने वाले उस रोड पे ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा और इधर से निकल जाएंगे। ये रोड कितने दिन पहले का बना हुआ है? ये रोड तो सर अभी बना है, 2 महीना हुए, या कि कहता अभी 1 महीना हुआ ज्यादा से ज्यादा। अभी विगत 2-3 महीनों में पहले लोकल मीडिया ने एक इस पर रिकॉर्डिंग की थी, वीडियो बनाया, उसके बाद लोकल प्रशासन यहाँ का सक्रिय हुआ, उन्होंने इस लोड को कम करने के लिए एक बाईपास सड़क बनाई है जो सिटी के बाहर भी जाती है और सिटी के अंदर भी जाती है, जिससे काफ़ी वाहन उस पर जाने लग गए और इस पर लोड कम हो गया है। और अभी 2 महीने में लगभग यहाँ कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई है। लोकल मीडिया इसी तरह प्रभावित रहेगा तो उसके काम का असर तो देखने को ही मिलेगा, और उसके काम का असर जरूरी भी है। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।